नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो चलिए आज डिस्कशन करेंगे कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को हमेशा मार्केट में लॉसेस क्यों झेलने पड़ते हैं, उनका हमेशा इन्वेस्ट किया गया पैसा डूब कैसे जाता है, क्यों वो न्यूज़ के ऊपर भरोसा रख के पैसा लगाते हैं, न्यूज़ पॉजिटिव भी होती है निगेटिव भी होती है लेकिन उसका बेनिफिट उनको मिल नहीं पाता है, ऐसा क्यों होता है, और बाद में बोलते हैं कि भाई यहाँ पे मैनिपुलेशन हो गया, स्टॉक ऑपरेटर ने कुछ तो कर दिया इसलिए पैसा नहीं मिला। तो यही सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेटेस्ट एग्जांपल जो था येस बैंक का, वही मैं आपके चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आप चार्ट पे देख सकते हो, येस बैंक अच्छा चल रहा था, सब उसका फंडामेंटल वगैरह सब ठीक चल रहा था, सब ठीक चल रहा था। लेकिन क्या हुआ, रिसेंटली 2000 मतलब जहाँ देख रहे हो आप स्क्रीन पे, ऑगस्ट 18 से इसमें एक फॉल स्टार्ट हो गया। देख सकते हो यहाँ से एक फॉल स्टार्ट हो गया। और आपने सुना भी होगा बहुत सारे लोगों के पास येस बैंक की बाइंग 200 के ऊपर की है, ठीक है। जो ये फॉल जब ये हुआ था रिसेंटली, मतलब अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट है, स्टॉक में ऐसा कभी नहीं होता है कि 4-8 दिन के अंदर वो 10 या 20% गिर जाता है। हाँ गिरता है लेकिन ऊपर नीचे होता है, ऐसी मूवमेंट होती है, ना कि ऐसी मूवमेंट एक ही जैसा नीचे गिर गया। तो जब भी ऐसी नीचे या ऊपर मूवमेंट हो रही है तो वही सब स्टॉक से आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। तो ऑपरेटर क्या होता है, मैनिपुलेशन क्या होता है और न्यूज का इफेक्ट कैसे होता है, ये चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो जो राणा कपूर ने स्कैम किया था येस बैंक के अंदर, अभी आपको पता चल गया होगा, ये न्यूज में आया था लगभग कब, जब स्टॉक 100 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहा था ना, यहाँ पे न्यूज में आ चुका था। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग पोजिशन 2 साल से पहले से ही बन रही थी, क्योंकि जो हेज फंड होते हैं, FISDIs होते हैं, उनको पहले से पता था कि ये स्कैम हो रहा है, क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट और बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही थी। मतलब मान लेते कि अगर आप दिन भर काम कर रहे हो और उसका वैल्यूएशन होता है 4 रुपया और आपको मिल रहा है 1 रुपया, तो आप समझ सकते हो कि उसमें कुछ तो स्कैम हो रहा है, ठीक है। तो चीजें कैसे काम करती है शेयर मार्केट में, एक्चुअली हम क्या सोचते हैं कि कोई 200 रुपए से 300 रुपए से स्टॉक गिर के नीचे आ रहा है 100-150 के नीचे, मतलब अगर किसी स्टॉक का फॉल मोर देन लेस देन 50% हो रहा है तो ऐसे स्टॉक को अवॉइड कीजिए। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, 1000 रुपए का स्टॉक अगर 100 रुपए के आ रहा है, 200 रुपए पे आ रहा है तो इसको बाय कर लेते हैं, मतलब कुछ दिन के बाद वो अच्छा रिटर्न दे देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर वो स्टॉक इतना अच्छा होता तो बायर्स कभी उसको इतने नीचे आने नहीं देते, वो कभी अपना पोजिशन लॉस में नहीं देख पाते, ठीक है। तो समझ लीजिए चीजों को, मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो येस बैंक का सीन क्या हुआ, एक 10-15 दिन में ये लगभग 20-30% टूट चुका था, ठीक है। तो ये पहला साइन था, लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने यहाँ पे भी बाइंग की होगी, ठीक है, यहाँ पे बाइंग की होगी, देख सकते हो यहाँ पे खरीदा होगा, यहाँ पे फॉल में खरीदा होगा, यहाँ पे भी खरीदा होगा। और बात हद तो तब हो गई जब पता है सबको कि ये 300-400 से नीचे गिर के आ चुका है और 10 रुपए पे आ चुका है, तब भी बहुत सारे लोगों ने येस बैंक में अपना पैसा लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ न्यूज आई थी, ठीक है, यहाँ पे आपको पता होगा कि HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक इसमें इन्वेस्ट कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ये चीजें क्यों होती है, आपको दिखाया जाता है कि स्टॉक अच्छा हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, लेकिन रिवाइवल जो होता है, जो मैनिपुलेशन होता है, यही सब चीज होता है। यहाँ पे आपको एक ट्रैप बनाया था कि आप पैसा डाल दो, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पैसा डाल दिया था। और यहाँ पे न्यूज आ चुकी थी कि आप अपना 25% ही स्टेक सेल कर सकते हो, 75% स्टेक NSE के पास पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे उनका जो कैपिटल था वो लॉक हो चुका था, ठीक है। तो कैपिटल लॉक होने के बाद आप क्या कर सकते हो, अगर मान लेते कि आपका 1 लाख में से 75,000 रुपीज लॉक हो जाता है, तो 25,000 से फिर से 1 लाख बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो मैनिपुलेशन कैसे होता है, जेट एयरवेज का एग्जांपल पता होगा, नरेश गोयल का जो स्कैम था उसमें भी वही हुआ, उसी के साथ DHFL था, आप चार्ट जाके देख सकते हो, PNB का हुआ था, नीरव मोदी का स्कैम, न्यूज आ चुकी थी फेब के सेकेंड वीक में 2018 में, लेकिन शॉर्ट सेलिंग कब से बन रही थी, दिसंबर या जनवरी से, 1-1.5-2 महीने पहले। अगर आपको मैनिपुलेशन कैसे होता है ये चीजें समझ नहीं है तो आप बाजार मूवी देख सकते हो, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो मैं बताना चाहूंगा कि DHFL के साथ हुआ, आरकॉम के साथ हुआ, किंगफिशर तो बंद पड़ चुकी, डीलिस्ट भी हो चुकी है, ठीक है। चीजें क्या होती है, चीजें यही होती है कि आपको हमेशा लगता है कि अगर कोई स्टॉक नीचे से आ रहा है, नहीं ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उसको खरीदना चाहिए, वो बार फिर में फिर ऊपर जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो येस बैंक के साथ जो स्कैम हुआ था, बहुत सारे स्टॉक के साथ हुआ है। आरकॉम कभी का एक समय बहुत बड़ी कंपनी थी, अभी वो 2 रुपए पे आ चुकी है। तो ऐसे स्टॉक को अवॉइड कीजिए, अच्छे स्टॉक ढूंढिए, उसमें पैसा लगा दीजिए, और पैसा हमेशा स्प्रेड करके लगा दीजिए। हमेशा बोला जाता है, जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं उनको पता है कि जो न्यूज होती है वो सबसे आखिरी में हमारे पास आती है, हमारे पास मतलब किसके पास, रिटेल ट्रेडर के पास, और न्यूज सबसे पहले बड़े हेज फंड के पास, बड़े ट्रेडर के पास पहले होती है। अभी एग्जांपल दे दो आपको,
जैसे कि मान लीजिए अभी कोविड का पिक चल रहा है सबके, और सबको पता है कि कोरोना के कारण बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मर रहे हैं। तो अगर कोई एक कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी, अगर उसके ऊपर ठीक से मतलब परफेक्ट अगर वैक्सीन निकालती है, तो सबसे पहले खबर किसको होगी? उनके मैनेजमेंट को पता चलेगा, उस कंपनी के एम्प्लॉयज को पता चलेगा कि काम चल रहा है, 90% हुआ है, 100% हुआ है, तो सबसे पहले उनको पता चलेगा ना। तो सबसे पहले फायदा किसको मिलेगा? उनको मिलेगा। आपके पास न्यूज कब आएगी? मान लेते हैं कि एग्जांपल एक्सवाइजेड कंपनी ने कोरोना की वैक्सीन बना ली और शेयर ट्रेड कर रहा था 100-150 रुपए के आसपास, लेकिन न्यूज कब आएगी? जब वो शेयर जाएगा 400-500 रुपए में, तब न्यूज फ्लैश आउट हो जाएगी कि एक्सवाइजेड कंपनी ने कोरोना की वैक्सीन बनाई है, और तब जाके आप अपना पैसा डाल दोगे। लेकिन उस समय बड़े बड़े जो ऑपरेटर होते हैं, बड़े बड़े मैनिपुलेटर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, मतलब आपका सारा पैसा ट्रैप किया जाएगा। तो चीजें आसान नहीं होती, लोगों को लगता है कि ये न्यूज आ गई, क्वार्टरली रिजल्ट आ गए, मैं अपना पैसा डाल दूंगा, डबल करूंगा। इतना आसान होता तो स्टॉक मार्केट से सब पैसा कमा के करोड़ों कमा लेते, ऐसा नहीं होता। बीच में बहुत सारे लोगों ने बजाज फाइनेंस के ऊपर अपना पैसा लगा दिया, 10,000 से गिर के 4,000 पे आ चुका था, उनको क्या लगता है कि 10,000 से 4,000 पे मिल रहा है तो डिस्काउंट में मिल रहा है? नहीं है, गलत है, वो बाद में ऊपर नहीं जा सकता है, चांसेस आर वेरी लेस। बिकॉज क्या होता है, अगर आपको लगता है कि स्टॉक 3,000 का 10,000 होगा, तो आप लगाने कितने वाले हो? 10 लाख 20 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़। लेकिन जो हेज फंड्स होती है, LIC जैसी डोमेस्टिक इन्वेस्टर होती है, उनके पास 20-30 हजार करोड़ होते हैं, लाखों करोड़ पड़े होते हैं। अगर आपको इतना मुनाफा दिख रहा है तो उनको नहीं दिखेगा क्या? उनके पास हाईली क्वालिफाइड रिसर्च टीम होती है, वो नहीं लगा सकते क्या पैसा? वो क्यों नहीं लगाते थे? क्यों नहीं लगाते? मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि रिलायंस सबको पता था कि उनके अंदर डील हो रही थी, बड़ी बड़ी डील क्रैक की हुई थी। सबसे पहले आ गए कौन? सबसे पहले फेसबुक ने डील की, उसके बाद सिल्वर लेक हो गया, और बड़ी बहुत सी चीजें थी, मुबादला हो गया, दुबई की भी कंपनी ने पैसा लगा दिया। क्यों लगा रहे थे? लेकिन फिर भी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 10% ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर्स ने भी उसमें पैसा नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि सबको लगता था बहुत महंगा स्टॉक है, 2,000 में है, 1,500 रुपए में, हमारे पास होता है 20,000 तो कितने आ जाएंगे, 4 या 5। लेकिन आप ये नहीं समझ पाते हो कि अगर स्टॉक महंगा होगा तो भी चलेगा, क्योंकि उनके अंदर वो कैपेबिलिटी होती है ऊपर जाने की, ना कि नीचे गिरने की, ठीक है। और अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज, मैं एक हिंट देना चाहूंगा, रिलायंस जब 800-900 पे आया था ना, तो उसमें प्रमोटर बाइंग हुई थी। जिनको NSE का डाटा एनालिसिस करना आता है, वो उनको पता होगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा था। जब रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक 900 या 1,000 रुपए पे आ गया था, तो प्रमोटर बाइंग मतलब अंबानी साहब ने खुद के बीवी के नाम के ऊपर, अपने बच्चों के नाम के ऊपर, यहाँ तक कि अपने ड्राइवर के नाम के ऊपर भी बहुत सारा स्टेक एक्वायर किया था, क्योंकि उनको पता था ना कि 2-3 महीने के बाद ये चीजें होने वाली है, डील क्रैक होने वाली है, तो ऑब्वियसली शेयर ऊपर जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगी, पैसा मिलेगा। तो यही होता है, यही समझाना चाहता हूँ कि बार बार बोलते हो कि मेरे पैसा नहीं मिलता मुझे, मैं ये न्यूज देख लिया, पैसा लगा लिया, लेकिन बाद में न्यूज आने के बाद 1-2 दिन चला, लेकिन बाद में गिर गया। तो कभी भी अपना पैसा डुबाने से पहले ये सोच लो कि आपको अगर लगता है आप एक स्टॉक के ऊपर बुलिश व्यू रखते हो, आपके पास जो भी पैसा है वो लगाने के बाद आपको लगता है कि मैं करोड़ों कमा लूंगा, लेकिन जिनके पास पहले से करोड़ों अरबों रुपए पड़े हैं, उनको कितना रिटर्न मिल सकता है? वो कितना कमाएंगे? वो क्यों नहीं लगा रहे थे पैसा? तो ये चीजें होती है। तो एनालिसिस सीखिए, रातों रात नहीं होगा ये, कल बैठ गए आज आपको लगा कि यार ठीक है ये कमा रहा है, वो बना रहा है पैसा, तो मैं भी बना लूंगा। आपने उनका डेप्थ कभी नहीं देखा है। जो भी ट्रेडर सक्सेसफुल हुआ है, तो उन्होंने पैसे पहले डुबोए हैं। जो भी हेज फंड मैनेजर होते हैं, उनको 10-10, 20-20 साल का एक्सपीरियंस लगता है, तभी जाके उनको पोजीशन मिलती है, क्योंकि वो चीजें आपने आपने खुद एक्सपीरियंस की है, ना कि किसी के मुंह से सुनी है। ट्रेडर बनना आसान नहीं है। आपको लगता है कि दिन का 5-10 हजार बनाना इजीली है, पीसी के सामने बैठ कर बना लेते हो, लेकिन वो चीजें करने के लिए जो समय देना पड़ता है वो लंबा समय है, ठीक है। यही चीजें होती है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि न्यूज के ऊपर कभी मत भरोसा कीजिए कि ये न्यूज में दिखा रहे हैं, इसको खरीदो ऊपर जाएगा, ये सब करके बहुत सारे लोगों ने इस बैंक में अपना बहुत मतलब पूरा जिंदगी भर का पैसा लुटा चुके हैं लोग। इस बैंक हो गया, उसके साथ साथ रेमंड हो चुका है, DHFL, आरकॉम, जेट एयरवेज, किंगफिशर, आईबोल हाउसिंग फाइनेंसिस, कितने एग्जांपल्स है, बहुत सारे एग्जांपल्स है। तो बोलते हैं ना कि अच्छी चीज है कभी सस्ती नहीं होती, और मतलब जो चीजें पहले से ही अच्छी है वो आपको कभी डिस्काउंट प्राइस में नहीं मिलेगी। अगर बजाज फाइनेंस का शेयर इतना ही अच्छा होता तो 10,000 से गिरकर 3-4 हजार में नहीं आता दोस्तों, आता तो आता कितना, 7,000-8,000 तक आता, ठीक है। तो चीजों को समझिए, इवेल्यूट करना सीखिए, और आपका स्टॉप लॉस कीजिए हमेशा, उसको इंस्टिंक्ट रखिए। मैं बार बार आपको पता होगा वीडियो में लाइव ट्रेडिंग भी बोलता रहता हूँ, कोई अगर बेसिक वीडियो ला रहा हो तो उसमें भी बोलता हूँ, स्टॉप लॉस इंस्टिंक्ट रखिए,
स्टॉप लॉस को वैल्यू दीजिए, मार्केट को रिस्पेक्ट कीजिए, ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए, पैसा एक स्टॉक में मत डालिए। इसके पीछे कुछ रीजंस है, ठीक है, इसके पीछे रीजंस है और मैं एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, ना कि किसी ने मुझे बताया है। मैं खुद 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मुझे अच्छे से चीजें पता है, और मेरे अलावा बहुत सारे ट्रेडर हैं जिन्होंने 20-20, 30-30 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी हमेशा बोलते हैं वो टारगेट ही बात कम करेंगे लेकिन स्टॉप लॉस, क्योंकि टारगेट हमारे हाथ में नहीं होता, स्टॉप लॉस हमारे हाथ में होता है। अगर मान लीजिए आप 10,000 लगा के बोल रहे हो कि यहाँ पे मैं ये निकालूंगा, मान लीजिए कि 10,000 करोड़ लगाने वाले को कितना टेंशन होना चाहिए, लेकिन उसको पता होता है कि 10,000 करोड़ के पीछे मेरा रिस्क 1-2 करोड़ रुपीज है, उससे ज्यादा नहीं है। तो यही चीजें ध्यान में रख के ट्रेडिंग कीजिए। पैसा बनता है मार्केट में, क्यों नहीं बनता है मैं दिखा दूंगा आपको, मैं करके दिखा सकता हूँ, मैं दिखा भी रहा हूँ, आप मेरे लाइव ट्रेडिंग वीडियो भी देख सकते हो, बहुत सारे लोगों ने किया है। तो गैम्बलिंग वगैरह चीजें होती है, बाजार मूवी देख सकते हो, उसमें दिखाया अच्छे से, पॉलिटिशियन का हाथ रहता है स्टॉक इवेल्यूट करने में, स्टॉक मैनिपुलेट करने में, आपको दिखाया जाएगा कि ऊपर जा रहा है, ग्रीन ग्रीन कैंडल भी बनेंगे, लेकिन 1-2 दिन के बाद वो इतना नीचे डाउनफॉल हो जाएगा कि आप लटक जाओगे। तो हमेशा स्टॉप लॉस के साथ मार्केट को रिस्पेक्ट देके निकल लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता था, ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कुछ नई वीडियो की डिमांड हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो मैं ट्राई करूंगा वो ऐसे वीडियो बनाने के लिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।